दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 114 फायर फाइटर, जूनियर इंजीनियर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 19,900 रुपये से लेकर 1,22,800 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 26 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 7 वैकेंसी है, वहीं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 10 वैकेंसी है। बात कर लेते हैं ऑडिटर ऑफ अकाउंट्स की, तो इसके लिए 1 वैकेंसी है, जबकि अकाउंटेंट के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 3 वैकेंसी है। अगर बात की जाए सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट की, तो इसके लिए 13 वैकेंसी है। सैनिटेशन इंस्पेक्टर के लिए 7 वैकेंसी है, लाइव स्टॉक सुपरवाइजर के लिए 2 वैकेंसी है, चीफ फायरमैन के लिए 9 वैकेंसी है, गार्डन असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर ऑडिटर के लिए 2 वैकेंसी है, फायर फाइटर के लिए 20 वैकेंसी है, जबकि अकाउंट्स क्लर्क के लिए 10 वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, डिप्लोमा डिग्री या फिर BSc कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से क्या होना आवश्यक है, यानी कि आपका बी या बीटेक क्या होना आवश्यक है। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका डिग्री इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं ऑडिटर ऑफ अकाउंट्स की और अकाउंटेंट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है कॉमर्स साइड से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, साथ ही डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि वहीं अगर बात की जाए सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सैनिटेशन इंस्पेक्टर के लिए आपका डिग्री क्यों होना आवश्यक है, जबकि लाइव स्टॉक सुपरवाइजर के लिए आपका क्लास 12th के साथ साथ डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री क्यों होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं चीफ फायरमैन की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है या फिर क्लास 12th पास कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। गार्डन असिस्टेंट के लिए आपका BSc क्यों होना जरूरी है, वहीं जूनियर ऑडिटर के लिए आपका डिग्री इन कॉमर्स से क्यों होना जरूरी है। अगर फायर फाइटर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th पास कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अकाउंट्स क्लर्क के लिए आपका डिग्री इन कॉमर्स साइड से क्यों होना आवश्यक है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो जूनियर इंजीनियर और ऑडिटर ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 38,600 रुपये से लेकर 1,22,800 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट और सैनिटेशन इंस्पेक्टर की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं लाइव स्टॉक सुपरवाइजर और चीफ फायरमैन की बात करें तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं गार्डन असिस्टेंट के लिए आपको मिलेगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर ऑडिटर, फायर फाइटर और अकाउंट्स क्लर्क की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर एज लिमिटेशन की बात की जाए तो BC और ऑर्फन कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज लिमिटेशन दिया जाएगा, जबकि अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो BC ऑर्फन और PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 900 रुपये, जबकि बाकी अदर कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,000 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रखी गई है दोस्तों, जबकि अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 23 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 12 सितंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक और इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।